कॉलेज मोड पर असामाजिक तत्वों के लगातार बढ़ रहे तांडव के खिलाफ आखिरकार स्थानीय दुकानदारों व स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आज माले नेता सहित स्थानीय प्रतिनिधियों की अगुवाई में एक बैठक कर पुलिस से ऐसे अवांछित तत्वों पर कड़ी कार्रवाई तथा शराब दुकानों को वहां से हटाने की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। दुकानदारों तथा कई स्थानीय लोगों की शिकायत पर आज माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, स्थानीय वार्ड कमिश्नर अशोक राम, पूर्व मुखिया संजय यादव, समाज सेवी गोविंद तुरी, अखिलेश राज सहित कई अन्य कॉलेज मोड़ स्थित मंदिर के प्रांगण पहुंचकर वहां के लोगों से पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद कहा कि कुछ लोगों के द्वारा प्रतिदिन शराब पीकर यहां उत्पाद मचाकर माहौल खराब किया जाता है। यही नहीं, यहां के दुकानदारों से रंगदारी पूर्वक सामान लेकर पैसे नहीं देने जैसी कार्रवाई आए दिन हो रही है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आर पार की लड़ाई होगी। पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सामने कुछ कदम पर ही पुलिस सहायता केंद्र है और इस रंगदारी की घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में शिकायत भी दर्ज की है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे दुकानदारों में दहशत है। कहा कि एजी कॉलेज मोड़ पर शराबियों का तांडव नहीं रुका और शराब की दुकान वहां नहीं हटाई गई तो स्थानीय लोगों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जनप्रतिनिधि लोग यहां भी एक मीटिंग किए हैं और ये मीटिंग इस बात को लेकर के हुई है कि यहाँ कॉलेज मोड़ के पास एक शराब दुकान है, ठीक यहाँ पुलिस पोस्ट के 50 गज की दूरी पर, और यहाँ से कुछ लंपट लुच्चा किस्म के लोग ये लोग शराब लेकर के खुलेआम यहाँ पर शराब पीते हैं, बोतल यहाँ वहाँ फेंकते हैं, गाड़ियों को जहाँ तहाँ लगा करके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। आसपास के तमाम जो शांतिप्रिय लोग हैं उनका जीना हराम कर दिया है। दुकानदारों का भी यहाँ दुकानदारी करना मुश्किल हो गया है। और यह भी शिकायत आई है कि कई दुकानदारों से, दर्जन भर से ऊपर लोगों ने भी यहाँ शिकायत किया है, किसी से 1000, किसी से 5000, किसी से 2000, किसी से 800, इस तरह करके रंगदारी से ये लोग वहाँ से सामान उमान ले लिए हैं, खाना वाना ले लिए हैं, रोटी बनवा के ले लिए हैं, मटन बनवा करके ले लिए हैं और किसी का पैसा नहीं दिए हैं। मेरे बगल में राशन का दुकान है, सरकार से हम अपना लोन लेके एक दुकान किसी तरह से चलाते हैं। हम उस दिन दुकान में जैसे कि प्रेजेंट थे, उसमें कुछ सामान खोजने के लिए आए मेरे पास, तो सामान वो मेरा प्रेजेंट नहीं था और हम उसको अगला जो से बोल दिए कि मेरे पास ये सामान नहीं है, उसी बोल के हम जो है निकल गए वहाँ से और परिवार को हम अपना खड़ा कर दिए। मेरा दुकान में और दूसरा कोई देखने वाला नहीं है, बगल में भतीजा जी का दुकान है, तो परिवार को खड़ा करके हम पेशाब करने के जो ही आए, उसी के बीच में जो है जाकर दुकान में तीन चार लड़का जो है मजमा लगा दिया, जिसमें सीओडी नया रेलवे पुल के नज़दीक में एक दुकानदार का एक शिकायत था कि उसके साथ रात में दारू के शराब के नशे में तोड़फोड़ किया है, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, धक्का मुक्की किया है। जब उसके लेकर के यहाँ बैठक हुई तो बैठक में जब उपस्थित हुए तो वहाँ पर कई लोग और भी अपना अपना आवेदन देने के लिए तात्पर्य है। उनका कहना है कि एक गोवर्धन के यहाँ ही मामला नहीं है, मामला हम लोग के साथ भी हुआ है। रोड के पास लगातार कई दिनों से सुन रहे थे कि बहुत सारा जो दुकान है वहाँ से उधार ले जाकर पैसा नहीं देते, तो आज सारे लोग जमा हुए थे यहाँ पे। इसका मुख्य कारण है कि सारी बातें तो की गई, लेकिन यहाँ जो शराब का जो दुकान है, बगल में चौकी है, सामने में मंदिर है, बगल में कॉलेज है, इस शराब दुकान को बंद किया जाए, जड़ यही है। बाकी सारे लोग जो हैं वो आपस में तालमेल करके अपने भाईचारा को मिलाकर ठीक ठाक कर ले, वरना यहाँ पे आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन है।